नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे हमारे किचन में जो चीज़ पड़ा है वही चीज़ से बनाएंगे, जैसे कि कच्चा आलू और गेहूं का आटा से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता की रेसिपी, आप लोग एक बार इस तरह बना कर देखिए, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और बाउल में हम एक कप आटा को डाल देंगे। एक कच्चा आलू को पहले से हम छिलका उतार के अच्छी तरह कद्दूकस करके धो कर रख लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको भी हम डाल देंगे आटा में। आलू को मैं डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें मसाला मिलाएंगे। देखिए, काटा हुआ था तो हरा धनिया पत्ता हम लिए, ताजा वाला नारियल को अच्छी तरह कद्दूकस करके रखे हैं, इसको भी हम डाल देंगे। आपको पसंद है तो नारियल डालिए, नहीं तो नहीं डालने से भी नाश्ता अच्छा बनेगा, लेकिन नारियल डालने से ज़्यादा अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग सूखी लाल मिर्च को कूट कर डाल देंगे। दो चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, आधा टीस्पून अजवाइन को डालेंगे। अब अच्छी तरह हम इसको मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसको हम ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, जिस तरह हमारा पकौड़ी बनता है ना, इसी तरह हम घोल बना लेंगे। हमारा नाश्ता बनाने के लिए घोल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस में पहले से कढ़ाई चढ़ा लिए थे, तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह हम घोल को डालते जाएंगे और नाश्ता बनाते जाएंगे। इस नाश्ते को खा के कोई बता नहीं सकता ये गेहूं के आटे से बना है बोल के, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह हम अब पलटा लेंगे। थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो चुका है हमारा नाश्ता का। आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमारा नाश्ता का कलर अच्छी तरह चेंज हो चुका है और बहुत ही बड़ा बड़ा फूल गया है फ्रेंड्स। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। सभी नाश्ता को हम इस तरह बना लेंगे। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। सभी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब गर्मा गर्म खाइए फ्रेंड्स और मज़ा लीजिए। आप लोग को मेरे रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।